नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे हम स्लीपर बस बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मेरा यहाँ कोशिश रहा है कि सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने की और बिना लॉस वाली सक्सेसफुल बिजनेस सेफ्टी से कैसे हम संभाल सकते हैं वो बताने की। आजकल वो भी कोरोना आने के बाद स्लीपर बस बिजनेस बहुत लॉस में चल रहा है। मैंने सुना मेजॉरिटी बस मालिक अपने बस बेच चुके हैं, कुछ मालिकों ने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से सुइसाइड भी कर चुके हैं। स्लीपर बसेस यार्ड में सड़ रहे हैं, उनको रोड पे लाने के लिए पैसे नहीं हैं। ये बहुत कठिन समय है स्लीपर बस बिजनेस शुरू करने की। ऑलमोस्ट सारे ऑपरेटर्स अपने लोन पेमेंट्स पे डिफॉल्ट किए हुए हैं और कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देने के लिए सामने नहीं आ रहा है। पर यह बात है, अगर हम इस कठिन काल में स्लीपर बस बिजनेस शुरू करके सफलता हासिल कर सकते हैं तो जब समय बदलेगा हमारा बिजनेस रॉकेट की तरह टेक ऑफ हो जाएगा। स्लीपर बस बिजनेस बहुत ही अट्रैक्टिव है। हमारे बस डेली 500 किलोमीटर से ज्यादा की सफर तय करेगा और हजारों लोगों हमारे बस को देखेंगे, उनकी दिमाग में हमारी बस जगह बना लेगी, हमारे फैमिली नेम को यह बस फेमस कर देगी और बिरादरी में हमारी नाम ऊंचा चला जाएगा। हमें लोग रेस्पेक्ट देंगे और हमारी खुद की पहचान होगी बिजनेसमैन वाली। बस बिजनेस में सबसे ग्लैमरस और रिस्की है स्लीपर बस बिजनेस। इसको मध्य रखते हुए हम एक शानदार और सेफ बिजनेस प्लान बनाएंगे। पहली स्टेप, बस चुनना। बस बिजनेस में पहला उसूल है सेकेंड हैंड मत खरीदना। स्लीपर बस की रूट में नई बस ही चलती है, पुराने बस को रीबॉडी करके छोड़ने से प्रॉफिट गारंटी नहीं है। स्लीपर बस की परमिट सिर्फ 7 साल के लिए ही मिलती है। सेकेंड हैंड बस लिए तो हमें बहुत कम टाइम प्रॉफिट मिलेगा कमाने के लिए। बस हमारी नाइट में चलती है। अगर नया बस है और हम उसको अच्छी तरह मेंटेन करते हैं तो वो रिलायबल होगी। पुराना बस रिलायबल हो नहीं सकता, ब्रेकडाउन हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए नई बस ही लेनी चाहिए। हमको चैसिस भी चुननी है और बॉडी भी चुननी है। बस की सिलेक्शन में हम पहले इंपॉर्टेंस बस की रीसेल वैल्यू को देंगे, क्योंकि भगवान ना करे अगर हम लॉस पे चलेंगे तो हम इजीली बस को बेचकर बिजनेस से निकल सकते हैं। बस और चैसिस का कॉम्बिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात, हमें रिसर्च करना है कि कौन सा चैसी और कौन सा बॉडी बिल्डर की कॉम्बिनेशन मार्केट में डिमांड में है। अगर हम साउथ की बात करें तो अशोक लेलैंड चैसी टॉप में है, भारत बेंस, टाटा और ईश्वर के भी चैसी है, पर भगवान जाने क्यों अशोक लेलैंड की ही बेस्ट रीसेल वैल्यू है। अगर आप मुश्किल में पड़ गए और आपकी बस बेचने का नौबत आ गया तो जितनी जल्दी और जितनी अच्छी दाम पर आपकी बस बिकेगी उस महा प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर बस नहीं बिकी तो आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ता ही जाएगा और एक समय आएगा जब नाक के ऊपर पानी चला जाएगा। भारत बंस बेस्ट चैसी है, उसमें फुल लेयर सस्पेंशन और रिटायर्डर स्टैंडर्ड मिलता है। इससे कंफर्ट वोल्वो जैसी मिलती है पैसेंजर्स को और बॉडी भी उतनी मार नहीं खाती। रिटायर्डर की वजह से ब्रेकिंग बहुत स्मूथ बन जाती है, ब्रेक लाइनर्स की भी लाइफ एक्सटेंड हो जाता है और जब हाईवे पे ब्रेक मारेंगे तो स्मूथली लगता है और पैसेंजर्स को कम से कम डिस्टरबेंस होता है। इसका इंजन तो लाजवाब है, हर एक सिलेंडर में फ्यूल पंप है। इसकी वजह से डीजल क्लीनली बर्न होता है और परफॉर्मेंस और माइलेज शानदार है। अब सारी जगह स्पीड लिमिट हो चुका है, 80 किलोमीटर से ज्यादा भगाए तो चालान कटने की डर है। भारत बेंच बस 80 की रफ्तार बहुत ही जल्दी पकड़ लेती है, इस वजह से वो हर जगह को दूसरे कंपनियों की बस से जल्दी पहुंच जाती है, सेफ ड्राइविंग में भी।
इस बस की एक ही कमी है कि इसके रीसेल वैल्यू लीलैंड उतना नहीं है। आपको खरीदने वालों को ढूंढनी पड़ेगी और सस्ते दाम में बेचना पड़ सकती है। मार्केट में लोग कहते हैं कि इसकी मेंटेनेंस सिर्फ सर्विस सेंटर में ही हो पाएगी और इस वजह से महंगी होगी, क्योंकि पार्ट्स भी सर्विस सेंटर से ही लेना पड़ता है, पार्ट्स भी महंगी होगी। इसलिए ऑपरेटर्स भारत बेंज चैसी को खरीदने से डर रहे हैं। पर इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसका नाम। आप अपने बस पे बेंज की सिंबल हर जगह लगा के पैसेंजर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बस वोल्वो को भी ब्रांड वैल्यू में टक्कर देगी। टाटा का बस चैसी भी बहुत अच्छा है, शायद नॉर्थ इंडिया में उनकी रीसेल वैल्यू अच्छी होगी, पर साउथ में बिना कोई लॉजिक देते हुए कोई भी टाटा की बस खरीदना नहीं चाहता है। अगर आप टाटा चैसी को सेल पे लगाएंगे तो आपको एक बायर्स नहीं मिलेंगे और कम दाम और एक बहुत सारी लॉस पे उसे देना होगा। ये एक दुख वाली बात है, क्योंकि टाटा की चैसी बहुत अच्छा है। अंत में ईचर चैसी, ये चैसी को आप मिनी वोल्वो बोल सकते हैं। ये सबसे सस्ती चैसी है और इसमें पूरा का पूरा वोल्वो का टेक्नोलॉजी भरा पड़ा है। एक साइड से देखे तो ये बेस्ट चैसी है कॉस्ट और वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए, पर इस चैसी का भी रीसेल वैल्यू बहुत कम है। फाइनली हम अशोक लेलैंड चैसी के साथ ही जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ रीसेल वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए। अशोक लेलैंड में हम 12 मीटर्स की चैसी लेंगे, 6 सिलेंडर वाली। 4 सिलेंडर वाली ऑलराउंडर नहीं है, उसका रीसेल का प्रॉब्लम है। फिर रिटार्डर, फ्रंट डिस्क ब्रेक्स और फुल लेयर सस्पेंशन रहनी चाहिए। चैसिस खरीदने की एक ओपन सीक्रेट है डिस्काउंट्स। बेझिझक आप डिस्काउंट डिमांड कीजिए डीलर से। हमें मैन्युफैक्चरिंग डेट से मतलब नहीं है, मतलब है रजिस्ट्रेशन डेट की। इसलिए आप पुराना चैसिस खरीदिए, 4 या 5 आसपास के डीलर्स के पास से बात कीजिए। उनके पास कुछ महीने पुरानी चैसी पड़ी रहेगी जिसको कोई टॉप ऑपरेटर खरीदना नहीं चाहता होगा। उस चैसी को डीलर अच्छी डिस्काउंट में आपको बेच देगा। याद रखिए, जितना हम चैसी में सेव करते हैं उतना लोन कम भरनी पड़ेगी, और अगर बेचने की नौबत आ जाए तो हमें कम से कम मार पड़ेगी। बजट देखे तो 30 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है बॉडी। इस मामले में साउथ में प्रकाश बस कॉर्पोरेशन की बहुत अच्छा रीसेल वैल्यू है। हाँ, वीरा वाहन उद्योग, दामोदर कोच क्राफ्ट, KMS की बॉडी में कोई कमी नहीं है। करूर में आपको सस्ती बॉडी भी मिल जाएगी, पर प्रकाश तो रीसेल का किंग है। पर्सनली मुझे सतलज बहुत पसंद है, पर साउथ में प्रकाश का रीसेल सतलज बीट नहीं कर सकती। गुरु गोविंद भी बहुत अच्छा बस बॉडी बिल्डर है। 13 लाख में ही राजस्थान, इंदौर और गुजरात में बस बॉडी बिल्डर स्लीपर बस बना सकते हैं, पर उनको बेचने की समय बहुत प्रॉब्लम्स होगी, बायर्स मिलना मुश्किल हो जाएगी। अशोक लेलैंड चैसी और प्रकाश की बॉडी बेस्ट कॉम्बिनेशन है रीसेल को मद्देनजर रखते हुए। बस बॉडी नेगोशिएशन के लिए आप बेकूफ तैयारी करना चाहिए। इसका बजट होगा 25 लाख। इस बजट में हमें AC बस बॉडी और टॉयलेट भी चाहिए। आप ये लिख के रखिए, अगला रेवोल्यूशन है टॉयलेट का, और 3 या 4 सालों में लोगों टॉयलेट वाली बस ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि हम फुल 7 साल परमिट यूज करना चाहते हैं। हम टॉयलेट को लेकर चलेंगे। अगर पैसेंजर्स के पास चॉइस है सेम टिकट रेट में टॉयलेट और बिना टॉयलेट वाली बस की, तो वो टॉयलेट को ही चूज करेंगे। टॉयलेट लगने से आपकी लॉस वाली चांसेस कम होगी। नेक्स्ट, एयर कंडीशनिंग। बस बॉडी पैक क्लास की नहीं रहनी चाहिए। अगर पैक क्लास है तो AC आपको हर वक्त चालू रखनी होगी। ओपन ग्लासेस रहनी चाहिए और AC का चार्ज नहीं लेनी चाहिए। अगर गर्मी है या पैसेंजर डिमांड कर रहे हैं तो AC चलानी चाहिए, नहीं तो बिना AC की काम चलानी चाहिए। बहुत ऑपरेटर्स पैक क्लास इसलिए चाहते हैं कि कोई पैसेंजर विंडो ओपन रखेगा और AC की हवा
उस विंडो से बाहर चली जाएगी और इस वजह से कूलिंग नहीं होगी। हम हर विंडो पे एक सेंसर लगा सकते हैं। ये महंगी नहीं है। ये सेंसर कार डोर में और फ्रिज डोर में आता है। अगर कोई ग्लास खुला है और एसी चालू है तो आप उस पैसेंजर को जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कृपया ग्लास क्लोज करें, क्योंकि सेंसर आपको वार्निंग दे देगा। टॉयलेट की स्मेल अगर आया तो ग्लास सब ओपन करके स्मेल बाहर जाने की बाद फिर ग्लास क्लोज कर सकते हैं। पैक्ड बस में ये मुमकिन नहीं है। बस की लास्ट स्टॉप पे आपको टॉयलेट टैंक में पानी भराना और क्लीनिंग की इंतजाम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बस स्लीपर बस है और टॉयलेट भी है। आपको होटल रूम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस में ही रह सकते हैं जब बस लास्ट स्टॉप में रुकी हुई है। टॉयलेट को आप पैसेंजर कैबिन की अंदर ही पोजीशन करें, उससे आपके पैसेंजर कन्वीनियंस मैक्सिमम होगी। 30 बर्थ की मुकाबले में 26 बर्थ्स की बॉडी बेहतर होगी। 26 बर्थ्स लगाने से एक 4 सीट का बर्थ में टॉयलेट और इमरजेंसी एग्जिट आ जाएगा। जब आप रेस्ट स्टॉप के लिए रुकेंगे तब मेन डोर और इमरजेंसी एग्जिट दोनों बस की दो तरफ खोल सकते हैं। इससे पैसेंजर्स को उतरना और वापस चढ़ना आसान होगा। एयर का सर्कुलेशन होगा और आपका बस यूनिक दिखेगा। हर ट्रिप में 4 या 5 बर्थ खाली ही रहती है, इसलिए 26 बर्थ्स काफी है और उन 26 बर्थ्स को फुल होने की चांसेस अधिक है। आप बॉडी बिल्डिंग के समय कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल, कैबिन डोन की जरूरत नहीं है। मिनिमम अच्छे बर्थ क्वालिटी होनी चाहिए और एसी की डैम्पिंग होनी चाहिए। लाइट सब एलईडी और लॉन्ग लास्टिंग रहनी चाहिए। हर एक बर्थ में फैन और टीवी मॉनिटर रहनी चाहिए। टीवी मॉनिटर से आप फिल्म्स ड्राइवर कैबिन से प्ले कर सकते हैं। वॉल्यूम फिक्स रहनी चाहिए और ऑन ऑफ स्विच स्पीकर के पास रहनी चाहिए। जिसको मॉनिटर देखना पसंद है उसको स्पीकर ऑफ करने की सहूलियत होनी चाहिए। पिल्लो और ब्लैंकेट और बेडशीट मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बस में एसी है। हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं और पहले ही पैसेंजर्स को बता देनी चाहिए कि ब्लैंकेट नहीं मिलेगा। मुझे पूछे तो कर्टन्स भी कट कर देना अच्छा होगा। कर्टन्स का मेंटेनेंस बहुत कठिन है। कर्टन्स और ब्लैंकेट पैसेंजर्स से बहुत मिसयूज होता है और उनका कॉस्ट अननेसेसरी है। ट्रेन में भी अब ब्लैंकेट्स नहीं देते, नहीं तो आप बेडिंग ऑप्शनल रख सकते हैं। अगर पैसेंजर चाहे तो 50 रुपीज देके बेडिंग ले सकते हैं, उसकी मर्जी। बर्थ की मटेरियल भी वाटरप्रूफ होनी चाहिए। फैब्रिक मटेरियल रिच और अच्छा दिखता है पर जल्दी खराब होता है। फ्लोरिंग और साइड्स में वुडन लैमिनेशन चीप है और कॉस्टली लुक देता है। हर एक बर्थ में बैकरेस्ट जरूरी है। अगर हम दिन में बस चलाना चाहते हैं तो पैसेंजर्स सोने की बजाय बैठने की प्रेफरेंस रखते हैं। आप खूब सारी रिसर्च करें, बॉडी बिल्डिंग का कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। सारे बॉडी बिल्डर्स को विजिट करके और उनसे कोटेशन लीजिए। प्रकाश से आप रेट फिक्स करते समय उन सब कोटेशन स्माइलिंगली दिखा के रेट कम कीजिए। जितना वैल्यू हमको मिलेगा उतना बेहतर होगा। फाइनली हमें एक 12 मीटर एयर सस्पेंशन एसी 26 बर्थ विद टॉयलेट बस मिलेगा। यह बेस्ट कॉम्बिनेशन है सक्सेस के लिए और फ्यूचर प्रूफ भी है। अशोक लेलैंड और प्रकाश की कॉम्बिनेशन हमें अच्छी रीसेल वैल्यू भी देगा अगर कुछ बैड लक आ जाए तो। बस बिजनेस शुरू करने के लिए एक बस काफी है, दो बसों की जरूरत नहीं है। सब रूट पे डिपेंड होता है और एक बस में आधा रिस्क है। 30 लाख की चैसी और 25 लाख की बॉडी हो गई 55 लाख, और 5 लाख अदर एक्सपेंस के लिए हमें टोटल में 60 लाख अरेंज करनी पड़ेगी। चैसिस पे तो फुल लोन मिल जाएगा। 30 लाख कवर्ड है और 30 लाख बाकी है। इस बाकी 30 लाख को हमें पर्सनल लोन मार्केट से उठानी पड़ेगी। आप 3 लोगों से 10 लाख उठा सकते हैं, नहीं तो बॉडी बिल्डर से बात करके 15 लाख अभी और 10 लाख 6 महीने की टाइम में देने की बात कर सकते हैं। अदर एक्सपेंसेस की 5 लाख तो आप गोल्ड प्लेज करके फाइनेंस ले सकते हैं। पहले 2 या 3 साल में बस अच्छी चलेगी और एक्सपेंसेस भी कम होंगे। इस टाइम में हमें ये 30 लाख का कर्ज चुका देनी चाहिए। बस का वारंटी 2 साल की रहेगी। इस टाइम में जो भी फॉल्ट आएगा
वो अशोक लेलैंड को देख लेनी चाहिए, हमें पैसा बचा के हमारी कैपिटल निकाल लेनी चाहिए, चैसिस की लोन 7 साल चलने दो, 7 साल के बाद बस बेच के लोन चुका सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम फाइनेंसेस, रनिंग कॉस्ट, रूट सिलेक्शन और बिजनेस टैक्टिक्स डिस्कस करेंगे। मेरा आशा है और प्रार्थना है कि हम सब स्लीपर बसों की मालिक बनके राज करेंगे। अपना ख्याल रखिए, जल्द मिलते हैं।